हेडिंग डालिएगा वायर्ड एंड वायरलेस मेथोडोलॉजी, वायर्ड एंड वायरलेस मेथोडोलॉजी, वायर्ड एंड वायरलेस। वायर मतलब तार के थ्रू और वायरलेस मतलब बिना तार के। अब कौन सी मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए? हम लोग देखो कम्युनिकेशन मोड पर चुके हैं। क्या पर चुके हैं? कम्युनिकेशन मोड। बताया था कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का। एक कैसा होता है? सिंप्लेक्स, दूसरा आपका हाफ डुप्लेक्स और तीसरा आपका फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मैंने बताया था कि इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, सिर्फ एक साइड होता है, वन वे। अगर आपका ए सेंडर है तो बी कैसा क्या होगा यहाँ पे? रिसीवर। अगर ए डेटा को सेंड करेगा तो बी आपका रिसीव ही करेगा, ठीक। कभी भी आपका बी सेंड नहीं करेगा डेटा को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी का रिमोट ना, उसमें क्या होता है, सिग्नल टीवी को जाता है लेकिन टीवी से कभी रिमोट पे सिग्नल आता है नहीं। सेम उसी तरीके से आपका रेडियो, रेडियो एफएम रेडियो सुना है कि नहीं, उसमें भी क्या होता है, सिग्नल रेडियो पे तो आता है, बजता है, लेकिन क्या इधर से सिग्नल कहीं जाता है नहीं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके सिंप्लेक्स के। दूसरा आता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों डिवाइसेज जो है कम्युनिकेशन करने के एबल होती है, मतलब ए भी सेंड कर सकता है डेटा और बी भी सेंड कर सकता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही डेटा सेंड करेगा, ठीक। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि एक टाइम पे केवल एक ही डेटा सेंड करेगा। जब ए डेटा सेंड कर रहा होगा तब बी रिसीव करेगा, और जब बी सेंड करेगा तो ए रिसीव करेगा। कभी भी दोनों साथ में डेटा को सेंड नहीं करेंगे। जैसा आपके एग्जाम्पल मैंने बताया था, क्या वॉकी टॉकी, क्या बताया था, मोबाइल फोन क्यों नहीं यूज करते? देखो मोबाइल फोन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वॉकी टॉकी में जो होता है कि हम अपनी बातें, भाई हमको अगर सिग्नल कराना है, जैसे अभी तक क्या था, जैसे कई जगह आर्मी वगैरह में कुछ जगह पर वॉकी टॉकी यूज किया जाता है अभी भी, क्योंकि वो सिक्योर होता है, उनका एक प्राइवेट सिग्नल होता है, प्राइवेट एक पूरा उनका नेटवर्क होता है जिससे वो कनेक्टेड होते डिवाइस। अब उन ऐसा नहीं है कि उनको बीच में कोई हैक कर ले या कुछ कर ले, तो उनका प्राइवेट कनेक्शन होने की वजह से वॉकी टॉकी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है कि वॉकी टॉकी का वो सेपरेट कनेक्शन होगा कि जो स्पेसिफिक ये है, ये एक सैटेलाइट के थ्रू भी कम्युनिकेशन कराते हैं, ये सैटेलाइट के थ्रू कराते हैं, ठीक। तो ये बहुत सिक्योर रहता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा है जो थोड़ा सा बता देंगे, ठीक, क्या कह रहा है कि एक क्या है ये आपका क्या बताएगा वॉकी टॉकी, इसमें क्या बताएगा आपका रिमोट या रेडियो या आपका कीबोर्ड मॉनिटर, ये सब किसमें हो जाएंगे, सिंप्लेक्स में। फिर इसके बाद में आता है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि इसमें आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे होता है, मतलब दोनों साइड तो होगा और वो किसी भी समय हो सकता है, चाहे आप इधर से सेंड कर रहे हो चाहे रिसीव कर रहे हो, दोनों एक साथ में ही हो सकता है, चाहे सेंड करो चाहे रिसीव करो, ए भी सेंड कर सकता है बी भी, साथ में ही सेंड कर सकते हैं और साथ में ही रिसीव कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है टेलीफोन और मोबाइल फोन, ये किसके एग्जाम्पल है, फुल डुप्लेक्स के। मैंने ये तीनों चीजें बता दी थी, सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स, ठीक। ये रिवीजन आपका करा के अब आपके बारे में क्या पढ़ना है हमको, वायर्ड एंड वायरलेस मेथडोलॉजी। अब इसमें पहला आप डालना वायर्ड मेथडोलॉजी, वायर्ड मेथडोलॉजी पहला क्या जाएगा आपका, वायर्ड मेथडोलॉजी। वायर्ड मेथोडोलॉजी वो मेथोडोलॉजी होगी जिसमें हम किसका वायर का यूज करेंगे ना। अब वायर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं हमने बता दिया था, जैसे आपका ट्विस्टेड पेयर हो जाता है, ऑप्टिकल फाइबर हो जाता है और आपका कोएक्सियल होता है, वो सारी चीजें बता चुके हैं ना। अब आपको क्या देखना है, वायर्ड टेक्नोलॉजी लिख लेना यहाँ पे, दे आर टू टाइप्स, टू टाइप्स। फर्स्ट हो जाएगी आपकी इंटरनल, इंटरनल वायर्ड, क्या लिख देना, इंटरनल
इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन और सेकंड हो जाएगा आपका कौन सा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर होगा कम्युनिकेशन, और एक्सटर्नल मतलब कंप्यूटर के बाहर जोड़ने के लिए होगा, दो डिवाइस को बाहर जोड़ने के लिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और अंदर के डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन, इंटरनल। पहला लिखना इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन में पहला लिखना आई टू सी, आई टू सी, आई टू सी, ये कैपिटल आई कर देना, आई टू सी, आई टू को मतलब यहाँ पे दो बार आई है, ठीक, आई टू सी लिख देना, आई टू सी स्टैंड फॉर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, आई टू सी स्टैंड फॉर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। लिख लेना इट वाज डेवलप्ड बाय, इट वाज डेवलप्ड बाय बाय फिलिप्स टेलीविजन, टेलीविजन किसके बनाया था इसको, फिलिप्स टेलीविजन इन 1980 कब बनाया था, 1980 में लिखे ना 1980। कहाँ पे आपकी यूज होती है, जैसे आपके रैम के अंदर, जैसे डबल ईपीयू सेंसर रियल टाइम, ये सारी इसको सबके जोड़ने के लिए कौन सी यूज होती है आपका, आई टू सी लिख लेना इसमें, लिख लेना इन दिस डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, एक आप लिख लेना प्रोसेसर कमा डबल ईपीयू प्रोसेसर डबल ईपीयू पीटीसी लिख लेना बस, अगला डालना SPI, SPI ये हो गया।
अच्छा इतना एस पी आई एस पी आई लेकिन द फुल फॉर्म ऑफ एस पी आई एस पी आई ए सीरियल पेरिफेरल सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस बस इंटरफेस बस इट वाज डेवलप्ड बाय मोटोरोला इन लेट ऑफ 1980s used in कहाँ पे यूज होती है यूज इन डिजिटल कार्ड्स एंड एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिजिटल कार्ड्स एंड एलसीडी साइड आपका आई टू सी लिखिए ना और दूसरी साइड एस पी आई फुल फॉर्म निकालने की जरूरत है आई टी सी का क्या हो जाएगा इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट और उसमें सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस इसको किसने बनाया था इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय कौन फिलिप्स और उसको किसने बनाया था मोटोरोला ध्यान रहेगा इसमें लिख लेना इट इज हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल ये कैसा होता है हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल और ये क्या कैसा होता है फुल डुप्लेक्स पहला क्या लिख लेना इसका फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा बताओ इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट इसका क्या हो जाएगा सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस दूसरी चीज इसको किसने बनाया था फिलिप्स ने इसको किसने बनाया मोटोरोला ने ये कैसा होता है हाफ डुप्लेक्स ये कैसा होता है फुल डुप्लेक्स ठीक
वायर प्रोटोकॉल, इट इज टू वायर प्रोटोकॉल। और इसमें लिख लेना इट इज फोर वायर प्रोटोकॉल। इसमें कितने हैं, थ्री वायर और इसमें फोर वायर। एक चीज और लिख लेना इट इज मल्टी मास्टर प्रोटोकॉल। मल्टी मास्टर प्रोटोकॉल इसमें लिख लेना इट इज सिंगल मास्टर प्रोटोकॉल। सिंगल मास्टर प्रोटोकॉल। दो चीजें होती है, एक मास्टर होता है एक स्लेव होता है। मास्टर डिवाइस वो होती है जो कंट्रोल करती है और स्लेव अलग अलग नोड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कई सारे मास्टर का यूज करना पड़ता है, तो कैसा होता है मल्टी मास्टर और वो आपका सिंगल मास्टर। हो गया। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये आपका इंटरनल हो गया पूरा ना। इंटरनल में कौन कौन से हो गए, I2C और SPI। I2C क्या हो गया, इंटर इंटरचेंज इंटीग्रेटेड सर्किट, और वो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। कैसा है, इसने कोटेशन लगाया फिलिप्स ने उसको मोटोरोला ने। ये कैसा है, हाफ डुप्लेक्स वो फुल डुप्लेक्स। इसमें कितने वायर प्रोटोकॉल यूज किया है, टू वायर, उसमें कितने फोर वायर। ये कैसा हो रहा है मल्टी मास्टर, इसमें कई सारे मास्टर यूज हो रहे हैं, और उसमें सिंगल मास्टर।